السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جونیئر کے جی سبجیکٹ عربی پیارے بچوں آج ہمیں کھٹا حروف یعنی ہم نے الف سے لے کر یا تک کے حروف کو لکھتے سیکھا تو ہم نے ابھی کیا سیکھنا ہے کھٹا حروف یعنی ہمیں یہاں پر حروف لکھ کر دکھایا گیا ہے بیچ میں حروف کی بلینک چھوڑ دی گئی ہے بعد میں حروف لکھا ہوا یعنی بیچ بیچ کے جو حروف ہیں وہ حروف کو ہمیں لکھنا ہے وہ ہمیں آج सीखना है तो इसे हम कहेंगे खुट्टा हुरूफ लिखो इंग्लिश में हम कहेंगे बिटवीन यानी बीच वाले हुरूफ को लिखना है। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर वीडियो में अलिफ हुरूफ लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है अलिफ हुरूफ लिखकर दिखाया गया है। अलिफ के बाजू में बॉक्स है उसी के बाजू में भी बॉक्स है उसी के बाजू में क्या है सा हुरूफ है। अब यहाँ पर हमें हुरूफ कब समझ में आएंगे जब हमें अच्छी तरीके से हमारा होमवर्क हमारा क्लास वर्क अच्छे से किया होगा तो हम आसानी के साथ हुरूफ को लिख पाएंगे। यहाँ पर अलिफ है अलिफ के बाद कौन सा हुरूफ आएगा तो हमें यहाँ पर खाली जगह के अंदर लिखना है अलिफ के बाद बा से बबगा जो हम बोल बोल कर लिखते हैं अलिफ के बाद बा हुरूफ आता है हमें इसी तरह यहाँ पर लिखना है। बा के बाद कौन सा हुरूफ आएगा तो हमें बा के बाद ता ता से तुफा हमें इसी तरह बोल बोल कर लिखना है ता से तुफा। खाली जगह पूरी हो गई यहाँ पर सा हुरूफ लिखा हुआ है इसी तरह यहाँ पर ये जिम हुरूफ लिखा हुआ है और उसी के बाजू में खाली जगह है उसी के बाजू में खाली जगह है उसी के बाद दाल हुरूफ लिखा हुआ है लेकिन हमें यहाँ पर पीछे से नहीं यहाँ पर जिम साइड से ही देखना है। जिम लिखा हुआ है तो जिम के बाद कौन सा हुरूफ आएगा हमें यहाँ पर लिखना है हा जिम के बाद हा हा के बाद खा तो हमें इसी तरह खा हुरूफ को लिखना है। तो इसी तरह हमें आगे से अरबी हमेशा पीछे से शुरू होता है तो हमें इसी तरह से देखना होगा। यहाँ पर ये दाल है कौन सा हुरूफ है दाल दाल के बाजू में खाली जगह दी गई है तो यहाँ पर हम जासी नहीं देखेंगे दाल सी देखेंगे। दाल के बाद कौन सा हुरूफ आएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे जाल जाल के बाद रा और रा के बाद जा हुरूफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जा हुरूफ लिखा हुआ है तो जा के बाद कौन सा हुरूफ आएगा सीन से समक सीन के बाद शीन आता है शीन से शजर इसी तरह हमें हुरूफ को लिखना है। यहाँ पर दौद हुरूफ लिखा हुआ है दौद के बाद कौन सा हुरूफ आएगा तो हमें आना चाहिए दौद के बाद तो के बाद जो इसी तरह हमें हुरूफ की खाली जगह को पूर करना है। यहाँ पर गैन हुरूफ लिखा हुआ है गैन के बाद कौन सा हुरूफ आएगा फा फा के बाद कौफ तो हमें यहाँ पर इसी तरह फा के बाद कौफ हुरूफ को भी लिखना है। कौफ के बाद काफ हुरूफ लिखा हुआ है यहाँ पर लाम हुरूफ लिखा हुआ है लाम के बाद मीम मीम के बाद नून तो हमें इसी तरह हुरूफ को लिखना है। यहाँ पर हा हुरूफ है हा के बाद कौन सा हुरूफ आएगा हमजा और हमजा के बाद या इसी तरह हम हुरूफ को लिखेंगे हुरूफ को लिखेंगे पढ़ेंगे भी और समझेंगे। इसी तरह अगर बीच बीच की कोई भी पेपर के अंदर खाली जगह को पूछा जाए तो हम आसानी के साथ लिख सकते हैं पर हमें आसानी के साथ जब हम लिख सकेंगे जब हमें आसानी के साथ हुरूफ लिखते हुरूफ पढ़ते और हुरूफ की समझ हमें दिमाग में आ जाए इसी तरह हमें हुरूफ को लिखते सीखना है। और ये पेपर के अंदर इसी तरह का कोई भी हुरूफ बीच वाला पूछा जाए बाद वाला पूछा जाए तो वो हमें आना चाहिए। इसीलिए हमें हमारा होमवर्क हमारी अरबी की नोटबुक में इसी तरह हेडिंग लगाना है खुट्टा हुरूफ लखो और इंग्लिश मीडियम को लगाना है बिटवीन हुरूफ और उसी के बाद हमें इसी तरीके से हमारा होमवर्क दो मरतबा करना है। ये हमारा होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।